नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजिकल तिवारी पर। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। इन 9 दिनों में भक्तजन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा आराधना और व्रत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा अर्चना करने से माता प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। प्रेम और भक्ति भाव से माता की उपासना करने से माता की कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहती है और माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा करने व व्रत रखने को लेकर कुछ नियमों का जिक्र भी है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में इन नियमों का पालन ना करने से माता रुष्ट हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए। पहला, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के समय तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें लहसुन प्याज के अलावा मांस मदिरा का सेवन वर्जित माना गया है। दूसरा, नवरात्रि का व्रत रखने वाले व्यक्ति को चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें बेल्ट, पर्स, बैग, चप्पल, जूते आदि शामिल हैं। तीसरा, नवरात्रि के व्रत में अनाज और नमक का सेवन वर्जित है, लेकिन कई जगहों पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा, माँ दुर्गा की पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती इसलिए की जाती है ताकि पूजा के दौरान कोई त्रुटि या कमी रह गई है तो वह आरती से पूर्ण हो जाए। पांचवा, माँ दुर्गा को पूजा में अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती अर्पित करें, यह अच्छा होता है। अगरबत्ती बांस और केमिकल से बनाई जाती है जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। छठा, नवरात्रि में माता दुर्गा की पुरानी या खंडित मूर्ति का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सातवां, जो लोग नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करते हैं उनको दिन के समय में नहीं सोना चाहिए। आठवां, ऐसी मान्यता है कि व्रत रहने वाले व्यक्ति को नाखून नहीं काटने चाहिए। नवा, व्रत रहने वाले व्यक्ति को साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। दसवां, पूजा करते समय बोलना और उठना नहीं चाहिए। पूजा के समय चालीसा, मंत्र या सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलना या पाठ करते करते उठना नहीं चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। ग्यारहवां, नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। हालांकि इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ होता है। बारवां, अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। घर में किसी ना किसी का रुकना आवश्यक है। तेरवां, 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। 14, व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। 15, खाने में कूटू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा फल, आलू, मेवे, मूंगफली खाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और वीडियो के लिए अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपका माइथोलॉजी से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, जिससे हम आपके सवालों का जवाब अपने आने वाली वीडियोस में दे सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।
जिससे आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।